तो नमस्कार दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अपने कंप्यूटर में एंड्रॉयड गेम खेलना चाहते हैं और अपने कंप्यूटर में एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस रन कराना चाहते हैं। जिनको कंप्यूटर चलाना तो आता है लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर में जो हमारे फोन में चलते हैं यानी एंड्रॉयड फोन में चलते हैं, तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, अभी मैं आपको बता रहा हूँ एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जहाँ से आपको कुछ फाइल्स डाउनलोड करनी है, ठीक है। आपको गूगल क्रोम पे लिखना है रीमैक्स ओएस। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एंड्रॉयड का है और ये आपके कंप्यूटर में रन हो जाएगा। इसको आप अगर रन करा लिए तो आपके कंप्यूटर में प्ले स्टोर आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है प्ले स्टोर में सारे एप्स अवेलेबल हैं जहां से आप कुछ भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करके अपने फोन में यूज करते हैं, जिस तरह से उस तरह से आप अपने लैपटॉप में भी या कंप्यूटर में यूज कर पाएंगे एंड्रॉयड ऐप। तो चलिए देखते हैं क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको ये रीमैक्स ओएस डाउनलोड करना है। ये लगभग 900 MB का फाइल होगा या फिर 1 GB, कभी कभार अपडेट होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से कुछ भी डाउनलोड कर लीजिए। ये सारे OS आपके कंप्यूटर में चलेंगे। अगर आपका जो PC है वो पुराना है, लाइक डुअल कोर है या i3 है या फिर उससे भी पुराना है, तो भी ये आपके कंप्यूटर में वर्क करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको कंप्यूटर फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको डुअल बूट का ऑप्शन मिल जाएगा। किस तरह से होगा वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो आपको एक जो है यहाँ से डाउनलोड कर लेना है एक फाइल, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके नाम पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड यहाँ पे देख सकते घूम रहा है, ठीक है। ये स्टार्ट हो गया है, 1 GB का है, ठीक है। तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है क्योंकि अभी वीडियो में मैं डाउनलोड करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट बहुत ईजी होता है, मैं आपको दिखा दूँ। जैसे ये दोनों फाइल है, ये दोनों पहले फाइल एक फाइल थी, ऐसी फाइल थी जैसे आप देख सकते हैं। इसका आइकन चेंज भी हो सकता है, CD का आइकन लगेगा आपको कुछ, ठीक है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट हियर कर दूंगा तो ये अलग हो जाएगा इस तरह से, तब आपके फोन में सॉरी आपके कंप्यूटर में आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रीमैक्स ओएस exe फाइल मिलता है आपको, ठीक है। रीमैक्स ओएस पे आप डबल क्लिक करना है आपको सिंपल, उसके बाद यस करना है। ये एक छोटा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे कह रहा है अंडर iOS फाइल ISO फाइल चूज करना है मुझे जो रीमैक्स ओएस का हो, क्योंकि ये रीमैक्स ओएस का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा ब्राउज, उसके बाद अपने उस ISO फाइल, ये जो हमारी ISO फाइल है, ठीक है, मैं इस पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज आपको दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक ISO फाइल है, ठीक है, ISO, ओके। तो मैं इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक, ओपन कर दूँगा। तो यहाँ पे ISO फाइल मेरी इंपोर्ट हो गई, ये बता रहे हैं, ठीक है। स्टेप्स आपको बताए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं अगर नहीं आ रहा है। इसके बाद आपको किस ड्राइव में इंस्टॉल करना है, तो मैं सी ड्राइव ही रखूँगा, सी ड्राइव मेरी बहुत बड़ी है, उसमें मैं इसको कर सकता हूँ। ओके कर दूंगा यहाँ से, तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसको साइज आप 32 GB, 8 GB या 16 GB दे सकते हैं। तो मेरे कंप्यूटर में ये 16 GB कह रहा है, तो मैंने इसको ओके कर दिया। ये 16 GB स्पेस लेगा आपके कंप्यूटर में। उसके बाद ये कुछ फाइल्स जो है एक्सट्रैक्ट करेगा जो आपके कंप्यूटर में ये वाली फाइल है। फटाफट हो जाएगा, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये फाइल नहीं मिलती, आप इसी सॉफ्टवेयर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे हम क्रोम ब्राउजर को इंस्टॉल करते हैं वो सेटअप फाइल के अंदर, ओके। तो एंड्रॉयड OS क्या होता है ये आपको थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा। जैसे आप फ़ोन को कभी बूट कर रहे होंगे यानी शट डाउन करके जब आप अपने फ़ोन को ऑन करते हैं तो वहाँ पे लिख के आता है पावर्ड बॉय एंड्रॉयड, पहले MI का लोगो आएगा या फिर जो भी आप फ़ोन यूज़ करते हैं, लाइक MI, Vivo, Oppo, कुछ भी, Lenovo, कुछ भी होता है। तो उसके बाद वहाँ पे एक छोटा सा आइकन बना होता है एंड्रॉयड का, ठीक है। तो वही एंड्रॉयड OS जो है हम आज अपने कंप्यूटर में डालना सीख रहे हैं, कैसे हम अपने कंप्यूटर में भी एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं डुअल बूट में। डुअल बूट क्या होता है, एक ही कंप्यूटर में आप विंडोज 10 को भी और रीमैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एंड्रॉयड को भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये सक्सेसफुली हो चुका है, तो मैं अब रीबूट करूंगा और आपको लेके चलूंगा अपने कैमरे में और मैं आपको सब प्रोसेस करके दिखाऊंगा क्या करना है आगे। दोस्तों अब मैं यहाँ से अपने कंप्यूटर को रीबूट करूंगा, यहाँ पे ये रीबूट हो रहा है। तो दोस्तों जैसे ही बूट हो जाएगा आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपना रीमैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आप कीबोर्ड से अप डाउन बटन से आप इसको कर सकते हैं। मैं यहाँ से रीमैक्स OS को सेलेक्ट करके बूट सेलेक्ट करूँगा तो रीमैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अब बूट होगा। ये फर्स्ट टाइम बूट होता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। पार्टीशन को फॉर्मेट करता है आपकी उसी सी ड्राइव, ये जिसने
जैसे इसने 16 GB स्टोरेज लिया था ना, तो उस 16 GB स्टोरेज को ये फॉर्मेट करेगा अपने हिसाब से। आपकी सी ड्राइव का डेटा नहीं डिलीट होगा, टेंशन मत पाल के रखो, ठीक है। ये सी ड्राइव का डेटा बिल्कुल नहीं डिलीट करेगा, ये अलग से अपना 16 GB डेटा बनाता है ड्राइव में और उसी को फॉर्मेट करके उसी के अंदर इन फाइल्स को ये इंस्टॉल करता है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको फॉर्मेट होने देते हैं, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। इस प्रोसेस में आपको 10 मिनट लग सकता है और बाकी अगर और फास्ट होगा तो आपके कंप्यूटर स्पीड के ऊपर हो सकता है। तो यहाँ पे अब रिमेक्स OS बूट हो रहा है, तो दोस्तों ये खुल गया है, फर्स्ट टाइम बूट है। तो आपको यहाँ पे अपने, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर देता हूँ, ये यूज एग्रीमेंट है, आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। नहीं तो आप एग्री बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ये हमसे कहता है भैया आप जो है इसको इंटरनेट से कनेक्ट कर दो, हम कनेक्ट नहीं करना चाहते, हम इस पर स्किप बटन पर क्लिक कर देंगे, ओके। आगे बढ़ गए हम, नेक्स्ट स्टेप आ गया एक्टिवेट गूगल प्ले स्टोर, इसमें चलता है इसीलिए तो हम वीडियो बनाया है। नेक्स्ट करेंगे, सेटअप कंप्लीट हो गया, ओके। ये काफ़ी प्यारा लुक है इसका, ठीक है। ये हमारा हो गया एंड्रॉयड OS, ठीक है। जाता है प्ले स्टोर, जाना है आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको प्ले स्टोर जैसी सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद प्ले स्टोर आप रन कर सकते हो, उसके बाद आप कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। ये कह रहा है कि सबसे पहले वाईफाई से कनेक्ट हो जाओ, उसके बाद मैं चलूँगा, ठीक है। वाईफाई से आपको कनेक्ट करना है इसको, कनेक्ट करने के बाद सब कुछ कर लेना, ईमेल आईडी डाल लेना, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है और तब मुझे बताना, मैं आपको कमेंट में आपको मैं रिप्लाई दे दूंगा। यहाँ से आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो, अगर आपके कंप्यूटर में वाईफाई कार्ड नहीं है तो वाईफाई वर्क नहीं करेगा, ये चीज़ ध्यान देना आप, ठीक है। आपके कंप्यूटर में वाईफाई कार्ड होना चाहिए तभी वाईफाई वर्क करता है, हालांकि लैपटॉप में पहले से अवेलेबल होता है, लेकिन अगर आप पीसी में करते हो तो वहाँ पे वाईफाई एडाप्टर अलग से लगाना पड़ता है, उसके बाद ही वर्क करता है। तो आई होप आज का ये वीडियो इंटरेस्टिंग था आप लोगों के लिए। अगर एंड्रॉयड OS से लेके कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। थोड़ा सा टाइम लग जाता है कभी कभार रिप्लाई करने में, तो उसका टेंशन मत लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।